आज की वीडियो में आपको काजोल के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, काजोल और अजय देवगन के रिलेशनशिप को लेकर खूब चर्चा रही है, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छे से इसका सामना किया और बहुत ही अच्छे वे में सबको आंसर भी दे दिया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो डाइवोर्स नहीं ले रहे, वो बिल्कुल साथ हैं। लेकिन अब काजोल की एक और वीडियो सामने आ गई है जिसमें देखा जा सकता है काजोल मनीष मद्रोता के लेटेस्ट फैशन शो में करण जौहर के साथ बातें कर रही हैं। बातें करना कुछ बुरा नहीं है और बातों में कुछ ऐसा भी नहीं है, लेकिन बातें करते हुए वो करण जौहर के साथ जिस तरह के फनी फेसेस बना रही हैं वो बहुत वायरल हो रहे हैं। काजोल की ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वो करण जौहर के साथ फन बैंटर लगा रही हैं, दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं और दोनों कोई फनी बात कर रहे हैं और जिसके रिएक्शन में काजोल काफी फनी फेसेस बनाती हैं। उनकी ये वीडियो जैसे ही वायरल होती है फैंस उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रॉल कर रहे हैं और उन्हें मेंटली रिटार्डेड भी कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि काजोल सिर्फ फेम में आने के लिए इस तरह का एक्शन दिखाती रहती हैं, कभी वो मीडिया पर गुस्सा करके फेम लेना चाहती हैं और अब वो इस तरह के फनी फेसेस बना रही हैं जो बिल्कुल भी उनको सूट नहीं करते हैं, जो एक बच्चों का काम है, छोटे बच्चे इस तरह से बात करते हैं या वो इस तरह के फनी फेसेस बनाते हैं तो अच्छा भी लगता है। काजोल पर ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा और उन्हें अपनी एज के हिसाब से ग्रेसफुली कहीं पर भी बिहेव करना चाहिए। काजोल की इस वीडियो को काफी वायरल किया जा रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। आपको ये काजोल की वीडियो कैसी लगी? क्या आपको भी काजोल के ये फनी फेसेस देखकर ऐसा ही लगता है कि काजोल को ये सूट नहीं कर रहे और ये बिल्कुल भी ग्रेसफुल एक्ट नहीं है और उन्हें मेंटली रिटार्डेड कहना कैसा लगा? हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।